हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चंस मैं अपने मोबाइल पर से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन द लेवलिंग स्टाफ एंड ऑटो लेवल। ये लेवलिंग स्टाफ और ऑटो लेवल से रीडिंग लिया गया है और वो रीडिंग क्या है, उसको किस तरीके से लेवल बुक, किस तरीके से लेवल बुक होता है जिसमें बी एस आई एस एफ एस, और अगर आपको दो मेथड होता है एच आई मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड, उन दोनों मेथड में से जो मेथड आप उसको यूज करना चाहते कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एच आई मेथड यूज कर लेता हूँ, आपको जो बेटर लगे। ठीक है, एच आई मेथड राइज एंड फॉल मेथड जो भी मेथड, एच आई लिख देंगे और उसके बाद आर एल, सभी पॉइंट का आर एल फाइंड आउट करना वो लिख देंगे, और एक होता है लास्ट में रिमार्क होता है। ठीक है, रिमार्क का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, इतना आपने लेवल बुक में आपके होने चाहिए। अब जिस प्रकार से दिया है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, रीडिंग दिया है फिर एंड बोला कि इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड सिक्स रीडिंग। तीसरा रीडिंग लिया और जो सिक्स नंबर का रीडिंग लिया उसके बाद हम स्टेशन को चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल स्टेशन इफ आर एल फॉर फर्स्ट स्टेशन वॉज 100 मीटर। मतलब पहले वाला जो रीडिंग ले रहे हैं वहां का आर एल जो है वो 100 मीटर दिया है, मतलब पहले पॉइंट का आर एल ये 100 मीटर तो है ही। क्लियर, उसके बाद अब रीडिंग जैसे जैसे दिया है उसके हिसाब से लिखते हैं। देखो जैसे पहला है 0.75, तो पहले रीडिंग हमेशा कहां लिखते हैं, बी एस में लिखते हैं 0.750। ठीक है, ये बी एस, उसके बाद से 1.130 आई एस में लिखोगे, और तीसरे रीडिंग के बाद हम शिफ्ट करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, तो लास्ट रीडिंग जो है वो कहां पर होती है, एफएस में होती है, क्योंकि तीसरे के बाद हम चेंज करने वाले हैं। बोला है कि थर्ड एंड सिक्स रीडिंग शिफ्टेड, बोला ना आफ्टर थर्ड एंड सिक्स रीडिंग शिफ्टेड, उस रीडिंग के बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो थर्ड वाला क्या होगा, लास्ट होगा, और इस लास्ट वाले रीडिंग को हम कहां लिखेंगे, एफएस में लिखेंगे 1.450, ये वैल्यू है थर्ड वाली, इसको मैंने एफएस में लिखा। उसके बाद स्टेशन चेंज किया तो जो रीडिंग होगी वो पहले रीडिंग बीएस में होगी, वो इसी में होगा, इसी जगह पे चेंज किया है, तो वैल्यू है 0.930 बीएस में। उसके बाद देखो 1, 2, 3, 4 हो गया, 4 रीडिंग ले लिया। फिर फिफ्थ वन 1.260, फिर 61 जो है वो चेंज करना है, तो एफएस में आ जाएगा और वो वैल्यू कितनी है 2.465, और उसके बाद से इसी पे जो आती है पहली रीडिंग वो आती है बीएस 820 है। उसके बाद कुछ चेंज नहीं किया गया है तो हम आईएस में लिखेंगे, और लास्ट जो रीडिंग रहेगी वो कहां लिख देंगे, एफएस में, लास्ट रीडिंग को हम एफएस में लिखेंगे। ठीक है, 1.37, 1.035, 1.230, और लास्ट रीडिंग जो है उसको मैंने एफएस में लिखा 1.585। इस तरीके से लेवल बुक आपने बना लेना है, इस तरीके से लेवल बुक बना लेना। अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ पर तो इसको रिमार्क में यहाँ पे सीपी लेंगे, सीपी का मतलब होता है चेंज पॉइंट, और यहाँ पर जो चेंज हुआ है यहाँ पर लिखेंगे मतलब चेंज पॉइंट। अब देखिए एचआई मेथड से हमें यहां पे करना है, ये क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया था इस प्रकार से हो गया। एचआई मेथड से करना है या राइज एंड फॉल मेथड से करना, दोनों मेथड मैं बता दूंगा। यहां पे सबसे पहले एचआई मेथड को यहां पर देख लेते हैं। एचआई मेथड में देखो कि जो यहां पर दिया इस पॉइंट पे आरएल दिया है 100 मीटर, अभी इसी पॉइंट पे फर्स्ट रीडिंग ये लिया गया है फर्स्ट रीडिंग, तो उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीएस जब ऐड करते हैं, जिस पॉइंट का आरएल दिया था उसमें ये बीएस ऐड करते हैं तो उसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस भी मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि ये इस तरीके का हो, ठीक है, यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और यहाँ पर आपका बेंचमार्क है जिसकी वैल्यू आरएल की वैल्यू आपको दिया है 100 मीटर। अब यहाँ पर आपने स्टाफ को रखा और यहाँ से ये देखा कि ये पहली रीडिंग जो बीएस है वो आए, मतलब ये लेवल आपको मिल गया। इस लेवल से जो भी रीडिंग ली जाएगी
वो हर पॉइंट का किस तरीके से आएगा वैल्यू वो इस लेवल से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो कितना होगा ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100.750 आरएल की वैल्यू बीएस में ऐड करेंगे तो पहले जो पॉइंट है उसका एचआई मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद हम इसी वैल्यू में से इसको भी माइनस करके लिखेंगे आरएल में इसी वैल्यू में से एफएस तक हम माइनस करते हैं एचआई की वैल्यू एफएस तक माइनस करते हैं तो यहां से इसकी वैल्यू माइनस करेंगे मुझे एक कैल्सी दे दो ताकि मैं उसमें से साइंटिफिक कैल्सी दे दो तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गई है 100.750 माइनस करेंगे 1.130 वैल्यू आया 99.62 तो ये सेकंड जो आपके रीडिंग है उसकी आरआर मिल गई 99.620 क्लियर इसी में से ये एफएस की वैल्यू भी माइनस करने से ही इसको माइनस करेंगे वैल्यू है आपका 100.750 माइनस 1.450 वैल्यू आ रही है 99.3 क्लियर अब उसके बाद से इसी पॉइंट पे बीएस के लिए गई है कि यहां पर नया एचआई मिलेगा इस वाला जो पॉइंट है इसी पे हमने ये बीएस लिया है तो ये वाले में बीएस ये 0.93 ऐड करेंगे 0.930 ऐड किया तो आ गया यहां का नया एचआई और वो है 100.23 ठीक है 230 अब इसमें से इस आईएस को माइनस करेंगे तो इस वाले लाइन का आरएल मतलब इस पॉइंट का आरएल हमें मिल जाएगा माइनस कर रहे हैं 1.26 तो आ रहा है 98.97 लिख लेता हूं ओके 98 ओके फिर इसी वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे ये ध्यान रहे जो आया है वैल्यू उसमें से नहीं माइनस 2.465 तो वैल्यू आ गई 97.765 अब यहां पर हो गया फिर यहां पे चेंज हुआ है तो इस पॉइंट इसमें ये वाला बीएस ऐड करोगे तो एक नया एचआई आ जाएगा तो ये वाला 97.65 है उसमें ऐड कर रहा हूं मैं 0.820 ये ऐड किया तो यहाँ की नया एचआई आया 98.585 क्लियर और फिर अभी ये वैल्यू से अब बाकी सब माइनस करके लिख देना क्योंकि अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया तो इसमें से मैंने ये वैल्यू माइनस किया 1.375 तो वैल्यू आ गया 97.210 उसके बाद इस वैल्यू को फिर से टाइप करेंगे 98.585 माइनस ये वैल्यू माइनस करके लिख दिया था अब इसको करेंगे 1.035 और वैल्यू कितनी आ रही है 97.55 फिर ये टाइप करो और अब ये वैल्यू माइनस करेंगे 98.585 माइनस अभी इसकी वैल्यू तो गई अब इसकी वैल्यू 1.230 कितना आ गया 97.355 क्लियर और उसके बाद इसी वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे 98.585 माइनस 1.585 ठीक है तो वैल्यू आ रही है 97 यहां पे आ गया 97 ठीक है अब ये जो हमने किया है रीडिंग उसको चेक किया जाता है कि ये सही है या रॉन्ग है तो किस तरीके से इसको चेक करेंगे वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ ठीक है किस तरीके से इसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए एचआई में दो होते हैं एक होता है समेशन बीएस माइनस समेशन एफएस इनका जो भी सम आ रहा है वो होना चाहिए लास्ट फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आर क्लियर मॉड इसलिए डाला कि उसकी प्लस वो आया चाहे माइनस आया उसकी वैल्यू प्लस में हो तो समेशन बीएस करो ये वाली सारी वैल्यू को ऐड करो कितना आ रहा 0.75
प्लस 0.93 प्लस 0.82, ये वैल्यू आया 2.5। ये आ गया समीशन एफ एस कर लो, 1.45 प्लस 2.465 प्लस 1.585 करने पे आया इसकी वैल्यू 5.5। मतलब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि 2.5 माइनस 5.5, और यहाँ पर अगर देखोगे तो फर्स्ट एरर 100 है और माइनस लास्ट एरर देखोगे तो 97 आया है। आप यहाँ पे चेक करो, देखो इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, तो ओके आप लिख दो चेक हो गया। यहाँ पे हेडिंग चेक डालेगा और यहाँ पे इक्वल आ जाता तो ओके डाल दो, ये अर्थमेटिक चेक होता है, ठीक है, इसको अर्थमेटिक चेक बोलते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें एचआई मेथड में बता सकते हैं। राइज एंड फॉल मेथड एकदम इजी है। राइज एंड फॉल मेथड में क्या अगर करना है, ये वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करो, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो फॉल में लिखना, प्लस में आ रहा है तो राइज में लिखना है, और आरएल में फॉल वाले को माइनस करके लिखना है और राइज वाले को ऐड करके लिखना है, इतना ही करना होता है। तो इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।